यातायात के नियमों की सीख देने के लिए अब किन्नर समाज सड़कों पर उतर आया है। प्रदेश के किन्नर समाज ने एकजुट होकर बिलासपुर में दोपहिया वाहन चालकों से हेलमेट और गाड़ी चालकों से सीट बेल्ट पहनने की अपील की है। साथ ही वाहन जिन चालकों ने नियमों की उल्लंघना की थी उन्हें गुलाब का फूल देकर नियमों के पालन का सबक भी सिखाया। बिलासपुर में यातायात के नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ चालान नहीं बल्कि गुलाब का फूल थमाया गया है और ये मुहिम पुलिस प्रशासन ने नहीं बल्कि किन्नर समाज ने चलाई है। बिलासपुर बस स्टैंड पर इस मुहिम की शुरुआत कर प्रदेश के किन्नर समाज ने एकजुटता दिखाते हुए यातायात के नियमों की उल्लंघना करने वालों को सीख देने और अपनी सुरक्षा के नजरिए से नियमों का पालन करने के लिए जागरूक अभियान चलाया। इस अभियान के माध्यम से दोपहिया वाहन चालकों से हेलमेट और कार चालकों से सीट बेल्ट पहनने की भी अपील की गई। अभियान की जानकारी देते हुए किन्नर समाज की मुखिया बिजली महंत और कुल्लू की चांदनी महंत ने वाहन चालकों से अपील की है कि यातायात के नियमों का पालन कर अपनी और अपने परिवार की हिफाजत करें, तभी उनकी ये मुहिम कामयाब होगी। कुल्लू मनाली से आई हूँ बिलासपुर में बिजली महंत के पास। आज उन्होंने कार्य किया है, बहुत अच्छा लगा है हमें, और ऐसे ही कार्य करते रहे और हमारे कुल्लू में भी ऐसे कार्य होता है, हम वहाँ भी ऐसे करेंगे, ठीक है। और जो इन्होंने किया है सारे जिस्मानों की हिफाजत के लिए किया है ताकि इनकी जान माल की हिफाजत रहे। ये आन दशक बाइक चलाए तो हेलमेट ओढ़ के चलाए तो अपने हिफाजत। हमारा किन्नर समाज इकट्ठा हुआ है ट्रैफिक के लिए, जागरूक कर रहे हैं लोगों को, जिसमें हमारे कुल्लू से भी आई हैं चांदनी मैडम, हरियाणा से भी आई हैं और दिल्ली से भी आई हैं, पंजाब से भी आई हैं, चनोता से भी आई हैं, सब किन्नर इकट्ठे हुए हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं सीट बेल्ट के लिए, बाइकों पे हेलमेट के लिए और नशा ना करके गाड़ी चलाने के लिए हमने लोगों को जागरूक किया है। सिटी चैनल के लिए बिलासपुर से विजय भारद्वाज की रिपोर्ट।